बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21, ठीक है, सेल साइकिल के बारे में आज हम शुरू करेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मसलन इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, इसमें सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत सेल साइकिल का पता हो, ठीक है, सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल के स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास इंटरफेज आएगा, इंटरफेज, फिर उसमें माइटोसिस एंड मियोसिस होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, इन दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। और इसके साथ साथ सिग्निफिकेंस के बाद हम थोड़े बहुत डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है, माइटोसिस के डिसऑर्डर्स लाइक कैंसर के बारे में हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। इसके अलावा मियोसिस के क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शंस कहेंगे, ठीक है, यानी हेरिडिटरी डिजीज कह सकते हैं आप इसे, हेरिडिटरी डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट के अंदर हम थोड़ा बहुत अपोप्टोसिस और एंड नेक्रोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। सो बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, यानी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेल साइकिल, फर्स्ट वन, तो सेल साइकिल किसे कहते हैं कि सेल जो है वो मुख्तलिफ स्टेज से गुजरता है, ठीक है, कि जो स्टेजेस हैं या जो चेंजेस हैं सेल की उसे हम सेल साइकिल में कहेंगे, ठीक है। यानी जो सेल्स चेंजेस या सीक्वेंसेस में से गुजरता है, ठीक है, उसे हम सेल साइकिल कहेंगे, सही। और इसके अंदर क्या क्या होगा, लाइक इसकी ग्रोथ होगी, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए यानी न्यूक्लियस की रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, सही। सो ये सारा सेल साइकिल के अंदर आएगा। मतलब हम इसके एक डायग्राम स्टडी करते हैं, मतलब ये एक सेल साइकिल है। सो सेल साइकिल के अंदर ये टोटल कह लें कि यानी इसमें फेजेस होते हैं। मसलन एक माइटोसिस है जो कि बहुत स्मॉल यानी 2.5 to 3 आवर्स यानी 2.5 से 3 घंटे का होता है, जबकि इंटरफेज है जो कि 25 आवर्स का है, और एक एस फेज है, सॉरी इंटरफेज जो टोटल बनेगा वो कितने का बनेगा, ऑलमोस्ट 33 आवर्स का, जबकि इंटरफेज के अंदर दो फेजेस हैं, G1 और एस फेज, सही। और फिर एस के बाद G2 आएगा और एम फेज माइटोटिक फेज आएगा। तो ये ओवरऑल 4 फेजेस बनती हैं, ठीक है। वैसे 2 फेजेस हैं, एक माइटोसिस है और एक इंटरफेज है, जबकि इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस मजीद हैं, जिसमें G1 फेज है, एस फेज है एंड एस फेज है, सही। और सिर्फ एम फेज ऐसे जिसमें सेल डिवाइड करता है, बकाया फेजेस के अंदर या तो वो ग्रो करेगा अपने आप को नॉर्मल साइज के अंदर, ठीक है, मतलब G1 फेज के अंदर सेल अपने आप को नॉर्मल साइज में लेके आएगा, फिर एस फेज के अंदर वो सिंथेसाइज करेगा, सिंथेटिक फेज से कहा जाता है कि अपने सेल पार्ट्स को दोबारा जनरेट करेगा, और एम फेज के अंदर उसे डिवाइड करेगा, ठीक। तो ये नहीं, एक जनरल से इंट्रोडक्शन था सेल साइकिल के बारे में, बकाया एम फेज के अंदर वो डिवाइड होगा इस तरह, सारा ये सारा स्ट्रक्चर साइड पे उन्होंने दिखाया होगा किस तरह सेल डिवाइड हो रहा है। हम इसे आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम इंटरफेज को स्टडी करते हैं। सो जो इंटरफेज है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस 1, 2 एंड 3, ठीक है। और इंटरफेज के अंदर सबसे पहला जो फेज है सेल डिवीजन के फौरन बाद में फेज आएगा, दैट इज G1 फेज, ठीक है, जिसे हम गैप 1 फेज भी कहते हैं, ठीक है। बाज लोग कहते हैं कि जी जो इंटरफेज है, ये जो गैप G1 फेज है, ये इनएक्टिव फेज है मेटाबॉलिकली, हालांकि ऐसा नहीं है कि जब जो ही सेल डिवाइड होता है तो डिवीजन के बाद सेल को मैच्योर होना पड़ता है, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन से क्या मतलब है कि लाइक इट विल प्रोड्यूस एंजाइम्स, जो जिसकी एंजाइम रिक्वायर्ड है वो इसे प्रोड्यूस करेगा, इसके अलावा ऑर्गेनेल्स के जो जो ऑर्गेनेल्स होती हैं इसकी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर उससे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एंजाइम्स, ऑर्गेनेल्स, फिर अपना साइज को कवर करेगा, ठीक है, नहीं रीगेन इट्स साइज, क्योंकि
डिवीजन के दौरान सेल का साइज छोटा हो जाता है तो ये दोबारा अपना साइज को गेन करेगा, ठीक है। और इसके अलावा डीएनए सेंसेसिस, सही, वैसे डीएनए सेंसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती, कहते हैं, वैसे हम इसमें डीएनए सेंसेस नहीं डालते। सो बेसिकली ये मैच्योरेशन फेज है कि इसके अंदर ये अपने दोबारा मेच्योर करेगा, इसके अंदर एंजाइम्स प्रोटीन्स आएंगी, इसकी ऑर्गेनेल्स सारी डेवलप होंगी, फिर इसका साइज वापस रीगेन होगा जो उसका ओरिजिनल साइज होता है, सही। सो ये सारा G1 फेज, और ये बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जाहिर बात है चीजों ने एनाबॉलिकली जनरेट होना था, नहीं आपस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आके जुड़ेंगे और फिर वो एंजाइम्स और ऑर्गेनेल्स की शेप्स या स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। फिर उसके बाद एस फेज आता है, दैट इज सेकेंड वन। एस फेज जो है वो नाम से जाहिर से हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज में क्या है कि जाहिर बात सेंसेस होगी, सिंथेटिक फेज में सेंसेस होगी किसकी, इसके मटेरियल की, खास तौर पर डीएनए, ठीक है, कि डीएनए सेंसेस होती है कि इसके अंदर जो डीएनए है वो बेसिकली रेप्लिकेट होता है, कि अपनी एक कॉपी बनाता है, ठीक, यानी अपनी एक अलग से कॉपी बनाए, क्योंकि डिवाइड होने के बाद सेल ने दो में डिवाइड अलग-अलग होना होता है। और रेप्लिकेशन के अंदर जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, मसलन आरएनए, ठीक है, आरएनए जनरेशन होगी इसके अंदर, फिर डीएनए पॉलीमरेज होगा, एंजाइम्स, सही, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड सारे इसमें जनरेट होंगे, सही। सो डीएनए सिंथेसिस में जो जो स्टेजेस रिक्वायर्ड है वो सारी सिंथेटिक फेज के अंदर आएंगी, इसमें, क्योंकि डीएनए ने क्रोमोसोम्स नंबर डबल करने होते हैं, सिंपल अगर हम कहें कि मसलन हमारे ह्यूमंस बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, तो वो 23 पेयर्स की शक्ल बनाएंगे, ठीक है, सिंथेटिक फेज के अंदर वो 23 पेयर्स बनते हैं। सो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो एस फेज कवर करेगा वो 23 पेयर्स में कन्वर्ट होगा, यानी जो पेयरिंग है क्रोमोसोम्स की वो माइटोसिस से पहले हो चुकी होती है एस फेज के अंदर, सही, सिंथेटिक फेज के अंदर, जहां पे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, सही। उसके बाद G2 फेज है, ये गैप 2 फेज कह सकते हैं, या फिर से जो बेहतर नाम से दिया जाता है, दैट इज प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज, यानी माइटोसिस से पहले का फेज है, और जाहिर बात है इसके अंदर सारी तैयारियां मुकम्मल की जाएंगी कि जो जो माइटोसिस के रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, नहीं ऑल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे विच आर हेल्पफुल इन माइटोसिस। अब माइटोसिस के अंदर कौन कौन सी चीजें हेल्पफुल होती हैं, इसको आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लाइक इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स आ जाएंगे, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो कि प्रोटीन की बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के स्पिंडल फाइबर्स की जनरेशन स्टार्ट होगी, एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा यानी सेल अपने आप को बेसिकली प्रिपेयर कर लेता है कि उसने अब डिवाइड होने जाना है, ठीक है, यानी गैप टू फेज में या प्री माइटोटिक फेज में क्या है कि सेल ने अपने आप को बेसिकली प्रिपेयर कर लेना होता है कि अब उसने डिवाइड होना है। उसके लिए जो जो चीजें चाहिए होंगी, लाइक स्पिंडल फाइबर्स हैं, एस्टर्स हैं, या फिर जो जो एंजाइम्स चाहिए होंगे जो कि डाइजेस्ट करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, वो अच्छा, इसमें एक गलती कर गया मैं कि स्पिंडल फाइबर्स जनरेट नहीं होते, लाइक मुझे ये मिटाना पड़ेगा, बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स नहीं जनरेट होते, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि प्रोटीन्स हैं, सॉरी, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि स्पिनल फाइबर्स को आगे जाके बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स को जो आगे जाके बनाएंगे, और ये माइटोटिक फेज के अंदर आएगा जब सेल डिवाइड होने जाएगा, सही। सो यानी इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे जो कि इंग्रेडिएंट्स के अंदर शामिल होता है स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए, तीसरा एस्टर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, इसके अलावा जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक
ठीक है, जो कि माइग्रेशन के अंदर, क्रोमोसोम्स माइग्रेशन के अंदर हेल्प करेंगे. तो इन किस्म का ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे जो कि माइटोसिस के अंदर या सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करेगा. सही. और उसके बाद माइटोटिक फेज आएगा. ठीक है, माइटोटिक फेज में क्या होगा, सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, दैट इज माइटोसिस. माइटोसिस हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, चैप्टर नहीं. सो माइटोसिस फेज जो कि इसका चौथा फेज है, और ये इंटरफेज के अंदर नहीं आता. ठीक है, ये इंटरफेज के अंदर G1, S और G2 फेजेस है. ठीक है, जिनके बारे में हमने स्टडी कर लिया. ओके, इसके अलावा एक और फेज भी है जिसे हम G0 फेज कहते हैं, और ये G1 के बाद आता है. कि लाइक एक दफा माइटोसिस हो गई, लाइक माइटोसिस इज डन, गैप वन, सेल मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद वो ऐसा डिसीजन लेता है बाद दफा सेल के, वो कहता है कि मैं नहीं डिवाइड कर. ठीक है, ठीक है, कि वो सिंपल नो डिवीजन का बोर्ड लगा लेगा. सही, ही सेज दैट नो डिवीजन, सॉरी. सही. सो ऐसा कब होता है कि बहुत से सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में भी है, लाइक नर्व सेल्स जो से हैं. ठीक है, ये आपके कह लें कि अप टू तो नहीं कहते, सॉरी, इसे कह लें कि बाज नर्व सेल्स ऐसे होते हैं कि जब वो फुली मेच्योर हो जाते हैं ना डिवीजन के बाद, तो दोबारा सेल डिवाइड नहीं करता. ठीक है, इवन उनमें रीजनरेशन की एबिलिटी भी नहीं होती. खुदा ना खास किस तरीके से अगर आपका नर्व सेल डैमेज हो जाता है, दोबारा रिप्रोड्यूस भी नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो G0 फेज में होते हैं. ठीक है, इस फेज को आप रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि अब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, यानी वो सिंथेटिक फेज की तरफ ट्रेवल नहीं कर रहा. इसका क्या मतलब है कि वो रेस्ट कर रहा है. ठीक है, इट इज इन रेस्टिंग फेज. और सेल साइकिल के दौरान मुख्तलिफ फेजेस जो से हैं वो मुख्तलिफ टाइम लेते हैं. ठीक है, जिसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि मसलन के जो टोटल पूरा साइकिल है ना, एवरेज वो 24 आवर्स का होता है. 24 आवर्स किसके लिए चाहिए? सेल साइकिल के लिए. सही. इसमें जो एस फेज है, सही, एस फेज तकरीबन दस घंटे लेता है, 10 आवर्स. फिर जो इसमें G2 फेज है, ये 4.5 आवर्स लेता है. सही. और जो इसमें G1 फेज है, ये ऑलमोस्ट 9 आवर्स लेता है. सही. बकाया रहा G0 फेज, सो इट कैन गोज अप टू डेज. ठीक है, ये दिन ले सकता है. ठीक है, वीक्स या फिर ईयर्स भी ले सकता है. सही, कि इसको दिनों में भी इसका कह लें कि G0 से वो एस फेज में जाएगा, या फिर वीक्स बाद जाएगा, या फिर ईयर्स बाद जाएगा. सो वो रेस्टिंग फेज में, रेस्टिंग फेज से क्या मतलब है, लाइक ही स्लीपिंग. ठीक है, वो सो रहा है, और जब तक उसे कोई जगाने नहीं आएगा, वो एस फेज की तरफ ट्रैवल नहीं करेगा. सही. सो इस तरह मुख्तलिफ फेज मुख्तलिफ टाइम लेते हैं. अब हम थोड़ा सा माइटोसिस को सिर्फ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, लाइक व्हाट इज माइटोसिस. सो माइटोसिस की डेफिनेशन देखें, पहले हम चलें इसकी डायग्राम देख लेते हैं. सो ये एक सेल है, ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड हो रहा है. सही, कि ये सेल जिसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए, दोबारा ये जनरेट हुए, दोबारा डिवाइड हुए, दोबारा जनरेट. सो यानी एक साइकिल से है. तो माइटोसिस में ये है कि हमारे पास दो डॉटर सेल आ रहे हैं. मतलब अगर हम देखें, देयर आर टू डॉटर सेल्स. टू डॉटर सेल्स, और जो डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी अगर हम इसमें देखें, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, और इसमें पेरेंट्स के सेल के अंदर, यानी ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है, जो कि डिवाइड होने के बाद किसमें दो डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है. सही. और इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन पेरेंट सेल्स और डॉटर सेल्स, दोनों सेम है. ठीक है, देयर आर इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट सेल्स. सही. सो माइटोसिस की ये डेफिनेशन हो जाएगी, यानी द टाइप ऑफ डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन पेरेंट्स
एंड डॉटर सेल्स, ठीक है, कि जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो पेरेंट सेल्स में और डॉटर सेल्स में एक जैसी रहेगी. सो ये माइटोसिस है. फिर माइटोसिस के आगे हम दो फेजेस बनाते हैं, दैट इज एक इसमें साइटोकाइनेसिस होती है और एक कैरियोकाइनेसिस होती है. सही, साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन, यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन. फिर कैरियो मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन, तो इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है. सही, यानी इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है. साइटोप्लाज्म डिवीजन और न्यूक्लियस डिवाइड होता है. सो ये दो फेजेस इसके माइटोसिस के अंदर हम, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. सो आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ माइटोसिस की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन कवर करना चाह रहे थे. सही, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा. हमने स्टार्ट किया सेल साइकिल, नया चैप्टर जिसके अंदर हमने देखा क्या क्या पढ़ेंगे. हम सेल साइकिल पढ़ेंगे, फिर उसमें इंटरफेज की स्टडी की है. आज के लेक्चर में माइटोसिस का इंट्रोडक्शन लिया. मियोसिस हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, फिर इनकी सिग्निफिकेंस देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस, और फिर डिसऑर्डर्स लाइक कैंसर है या हेरिडिटरी डिजीजेज है उनके बारे में पढ़ेंगे. फिर एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस पे थोड़ा बहुत हम बात करें. फिर हम सेल साइकिल पे स्टार्ट हुए, सेल साइकिल से स्टार्ट लिया हमने. तो सेल साइकिल क्या है कि जितनी भी स्टेजेस आती हैं ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ अ सेल, के सेल के अंदर जो जो फेजेस आएंगे वो सेल साइकिल में काउंट होंगे. लाइक इसके अंदर सेल साइकिल मोस्टली चार फेजेस होते हैं, या दो फेजेस कह लें, माइटोसिस एंड इंटरफेज. फिर इंटरफेज के अंदर मजीद तीन फेजेस होते हैं जिसके अंदर G1 S और G2 फेजेस है, ठीक है. और फिर हमने इन फेजेस को स्टडी किया. लाइक G1 फेज वो है कि जो माइटोसिस के बाद सेल को दोबारा मेच्योर करेगा, जिस फेज के अंदर सेल खुद मेच्योर होगा, लाइक एंजाइम्स उसके बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगी, ऑर्गेनेल्स बनेंगे, अपना साइज रीगेन करेगा वो. फिर S फेज है जहाँ पे दोबारा DNA डिवाइड होगा, रेप्लीकेट होगा, ठीक है. और रेप्लीकेशन के लिए जो जो मटेरियल चाहिए होगा, लाइक RNA, DNA पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, ये सब इसमें जनरेट भी होते हैं और यूज भी होते हैं. DNA सेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं. और फिर G2 फेज है जो कि प्री माइटोटिक फेज है, यानी सेल डिवीजन होने से पहले. इसके अंदर जो सेल है वो अपनी पूरी तैयारी रखेगा कि जब उसने मसलन वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को जनरेट करेगा, फिर जो कि हेल्प करेंगे स्पिंडल फाइबर्स के अंदर, यानी इस किस्म का डिवीजन का एनवायरनमेंट जनरेट करेगा. सही, और फिर माइटोसिस है. माइटोसिस से पहले हमने एक और चीज पढ़ी, G0 फेज. के बाद का क्या होता है कि जब सेल मैच्योर हो जाता है वो डिसीजन लेता है कि उसने डिवाइड नहीं होना. सही, सो वो G0 फेज कहलाएगा. लाइक हमारे नर्व सेल्स होते हैं, कुछ मसल सेल्स भी ऐसे होते हैं जो कि G0 फेज में एंटर हो जाते हैं. और फिर हमने टाइमिंग डिस्कस की, लाइक सेंसेस फेज 10 आवर्स लेता है, G2 फेज, गैप 2 फेज जो 4.5 आवर, जबकि G1 फेज जो 9 आवर्स, 9 घंटे लेगा. सही, और माइटोसिस की तो हमने बात नहीं की. माइटोसिस तकरीबन, माइटोसिस कितने लेगा भला, अभी हमने देखा था, दैट टेक्स ओनली 2.5 to 3 आवर्स, 2.5 to 3 आवर्स. थ्री आवर्स के अंदर माइटोसिस कंप्लीट हो जाती. सो फिर उसके बाद हमने माइटोसिस के बारे में देखा कि डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन पेरेंट एंड डॉटर सेल्स, और ये इसकी एक डायग्राम है. उसके अंदर फेजेस आते हैं लाइक प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. फिलहाल हमने डिस्कस किया कि माइटोसिस की दो आगे फेजेस होते हैं, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, एक जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दूसरा जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा. सो ये तो था आज का लेक्चर. नेक्स्ट माइटोसिस की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे.